हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एन के सॉलिड वर्क्स में। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं ये हमारा 304 का पार्ट। ओके ओके गाइस, जिसका फ्रंट व्यू होगा और जिसका साइड व्यू दिया होगा। ओके ये मैंने स्केच बना रखा है। ओके उसके बाद हम जाएंगे, ये पूरा आप जब स्केच बना लेंगे उसके बाद हम जाएंगे फीचर्स में, रिवॉल्व कमांड का यूज़ करेंगे। ओके जहाँ एक्सेस ऑफ रेवोल्यूशन के लिए हम इस लाइन को सिलेक्ट करेंगे, ये जो नीचे से। ओके गाइस, और जहाँ पर हम कर देंगे क्लिक। नेक्स्ट आप देख सकते हो ध्यान से, ये जो सर्कल है 20 डायमीटर का है और ये जो सर्कल है 140 डायमीटर का है। तो हम सबसे पहले ये जो अंडर कट लगे हुए हैं इनको हम कट कर देंगे। ओके फेस पर क्लिक करेंगे, स्केच लें सर्कल। स्मार्ट डायमेंशन और देख सकते ये हमारा 145 का है। एंड ये जो हमारा सर्कल है ये 20 डायमीटर का है। ओके गाइस, ओके उसके बाद हम लेंगे ये जो आप देख लो लाइंस लेंगे 60 डिग्री पर, 60 डिग्री पर 6 है। तो हम एक सिंपल लेंगे लाइन इस पॉइंट से ओरिजिन तक। ओके नेक्स्ट हम जाएंगे ऑफसेट एंटिटीज पर, जहाँ पर हम सर्च कर क्लिक करेंगे बाय डायरेक्शन, और जहाँ पर देख सकते हो 4 mm का डिस्टेंस है तो हम इसका हाफ कर देंगे 2 mm। ओके इस लाइन को हम एज ए कंस्ट्रक्शन के लिए यूज़ कर रहे हैं तो कंस्ट्रक्ट कर देते हैं। ट्रिम एंटिटीज में जाएंगे, जहाँ पे जो एक्स्ट्रा लाइन है उनको हम डिलीट कर देंगे। ओके ओके कर देंगे, फिर हम जाएंगे सर्कुलर पैटर्न पे, सर्कुलर पैटर्न पे ओके करेंगे और हम लाइंस को सिलेक्ट कर लेंगे, जहाँ पर हम वैल्यू डाल देंगे 6 की। ओके कर देंगे, नेक्स्ट आप देख सकते हो ये हमारा जो स्केच है ये फुली डिफाइंड नहीं हुआ, तो हम इसे लाइन को ड्रैग करेंगे। अब देख सकते हो इसका जो सेंटर पॉइंट है इसको हम सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल के साथ हम ओरिजिन पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल छोड़ेंगे और आप देख सकते हो यहाँ पर कॉन्सिडेंट का ऑप्शन आ रहा है, इस पर हम क्लिक कर देंगे। ओके ओके गाइस, इसके बाद हम जाएंगे फीचर्स में, एक्सट्रूड कट पर क्लिक करेंगे, हम इस पार्ट को सिलेक्ट करेंगे सेकंड। ओके गाइस, और जगह हम पर हम थ्री होल के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। ओके ओके कर देंगे, ठीक है। ओके गाइस, आप देख सकते हो वैसे बन रहा है। हम क्या करेंगे इसके फिर से फेस पर, अब हम आप देख सकते हो हमें ये 1 mm का कट चाहिए आगे से, तो इसके फेस पर हम क्लिक करेंगे, स्केच पर क्लिक करेंगे, सर्कल लेंगे जो जो सर्कल था 145 का। ओके स्केप, एक और सर्कल लेंगे हम, स्मार्ट डायमेंशन
और ये जो हमारा सर्कल होगा 20 mm का, ओके, क्योंकि हमें ये जो अंदर कट चाहिए जहाँ से चाहिए 20 mm के, इसलिए हमने ये बनाया। ओके, फीचर्स में जाएंगे, एक्सट्रूड कट पर क्लिक करेंगे और जहाँ पर हम वैल्यू एक डाल देंगे, ओके, ओके गाइस, आ जाए तो ये जो कट है ये स्टूड ये एक एक कट mm पीछे हो गए हैं। ओके गाइस, नेक्स्ट आप देख सकते हो यहाँ पर एक 8 mm का कट लगा हुआ थ्रू होल, इसके फेस पर क्लिक करेंगे, सर्कल लेंगे, स्मार्ट डायमेंशंस, आठ mm का, ओके, फीचर्स में जाएंगे, एक्सट्रूड कट पर क्लिक करेंगे और वैल्यू डाल देंगे थ्रू, ओके कर देंगे। गाइस अब देख सकते हो नेक्स्ट आप देख सकते हो 160 और 155 के यहाँ पर ये टीथ बने हुए हैं। ओके, जो टोटल टीथ है 115 है। ओके, यहाँ पर लिखा है टूथ प्रोफाइल एज पर डिटेल जी। ओके, यहाँ से इसके हम अकॉर्डिंग बनाएंगे, डिटेल इसकी करेंगे। इसके फेस पर क्लिक करेंगे, ओके, कन्वर्ट एंटिटीज पर क्लिक करेंगे, ये जो हमारा सर्कल है 160 का इसे कन्वर्ट कर लेंगे। ओके गाइस, एक और सर्कल लेंगे हम जो हमारा 155 का होगा, स्मार्ट डायमेंशंस 155, ओके गाइस, ओके गाइस, नेक्स्ट हम इसके टीथ बनाएंगे। ओके, तो इसके जहाँ पर लिखा टीथ प्रोफाइल एज ए पर डिटेल जी, तो ये हमारा रहा वो इंफॉर्मेशन, तो हम एक लाइन लेंगे, जहाँ तक ओके, इसे हम कंस्ट्रक्ट कर देते हैं। ओके गाइस, नेक्स्ट हम इस यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे लाइन को, अच्छा, और थर्ड पॉइंट हम यहाँ पर रख देंगे, स्मार्ट डायमेंशन, इस पॉइंट को हम सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल के साथ इस पॉइंट को हम सिलेक्ट करेंगे, लाइन को सिलेक्ट करेंगे, सिमेट्रिक रिलेशन दे देंगे, इस पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल के साथ इस पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे और लाइन को सिलेक्ट करेंगे और रिलेशन दे देंगे सिमेट्रिक का। ओके गाइस, इस लाइन को सिलेक्ट करेंगे कंट्रोल के साथ और इस लाइन को सिलेक्ट करेंगे और रिलेशन दे देंगे इक्वल का। ओके, स्मार्ट डायमेंशंस,
ये हमारी होगी 12.5 की। ओके नेक्स्ट आप देख सकते हो 1.5 देख सकते 1.5 हो जाए हमारा 2.5 का। ओके गाइस इसके बाद हम जाएंगे फीचर्स में एक्सट्रूड कट दोनों को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर थ्रू होल सिलेक्ट करेंगे। ओके ओके गाइस नेक्स्ट हम सर्कुलर पैटर्न में जाएंगे। यहाँ पर हमारा जो कट किया था वो ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुका है, हम वैल्यू डाल देंगे 115 की और जहाँ पर डायरेक्शन में चेंज करके हम सर्कुलर जो है जब वो सिलेक्ट कर लेंगे। ओके इसकी वैल्यू हम जान से चेंज कर देंगे 2.5। और इसे हम चेंज कर देते हैं 1.5। ओके गाइस ये हमारा मॉडल बन चुका है। ओके आई होप वीडियो आपको पसंद आई हो।